नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग जब अपने ट्रैक्टर पर बैठकर खेतों का कार्य करते हो तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि दुनिया का सबसे पहला ट्रैक्टर कब बना था, कैसा दिखता था, किस कंपनी ने बनाया था तथा उस ट्रैक्टर की क्षमता क्या थी। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है, इसलिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, बात तब की है जब भाप के इंजन या भाप से चलने वाली मशीन अस्तित्व में आई थी, तब ट्रैक्टर का सबसे पुराना रूप जो कि एक चार पहियों पर जड़ा हुआ भाप का इंजन होता था जिससे बेल्ट की सहायता से कृषि यंत्र खींचे जाते थे। समय बदलता गया तथा इसकी कमियों से सीखकर सन 1850 के आसपास पहला ट्रैक्टर अस्तित्व में आया जिसका कृषि कार्यों में जमकर प्रयोग किया जाने लगा, जो कि भाप इंजन की पद्धति पर ही कार्य करता था जिसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में कोयला तथा पानी इसके साथ रखना पड़ता था। वह भारी होने की वजह से इसका एवरेज भी बहुत कम था तथा इसे चलाने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, जिसमें एक व्यक्ति ड्राइविंग करता था और दूसरा व्यक्ति साथ साथ में कोयला डालता रहता था जिससे ट्रैक्टर चलता था, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी कमियाँ महसूस की गई। इसी क्रम में सन 1852 में जॉन फ्रोलिक ने पहला पेट्रोल का ट्रैक्टर बनाया, पर इसके केवल दो ही ट्रैक्टर बिक पाए क्योंकि ये बहुत महंगा था। 19वीं सदी के अंत में गैस चालित ट्रैक्टरों का निर्माण हुआ। 1905 तक गैस चालित ट्रैक्टरों की मांग बढ़ी। ये गैसोलीन से चलते थे। इसमें चार पहियों पर स्थित भारी फ्रेम पर एक बड़ा सिलेंडर गैस इंजन लगा होता था। इसकी खासियत यह थी कि इसे अकेला आदमी भी ऑपरेट कर सकता था। अब 1931 के आते आते पहला डीजल इंजन ट्रैक्टर बनाया गया। 1931 ईस्वी में पहला डीजल इंजन ट्रैक्टर जो है दुनिया के सामने आया। इसका दाम तो अधिक था, पर इसके गुणों की वजह से इसकी मांग बढ़ी। क्या आपको पता है 1932 तक ट्रैक्टर के टायर बिना रबर के होते थे, केवल लोहे के रिम पर ट्रैक्टर चलते थे। 1932 में रबर के टायर भी आए तो ट्रैक्टर में और ज़्यादा आधुनिकीकरण हुआ। जॉन डियर वह पहली कंपनी है जो सबसे पहले डीजल ट्रैक्टर बनाने में कामयाब हुई थी। इसकी कार्य क्षमता 40 हॉर्स पावर मतलब तीन लाइन में जुताई करने वाला एक स्टील का हल सबसे पहले जॉन डियर ने बनाया था। आज दुनिया के 30% ट्रैक्टर भारत में बनते हैं। भारतीय बाजारों में ट्रैक्टरों की प्रमुख कंपनियां जॉन डियर, स्वराज, महिंद्रा, सोनालिका, प्रीत, फोर्ड, ड्यूलफार, टैफे इत्यादि प्रतिस्पर्धा में हैं। आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है इस टाइम, आप भी कमेंट करके बताइए। MS स्वामीनाथन द्वारा की गई हरित क्रांति के बाद ट्रैक्टर की भारत में काफ़ी मांग बढ़ी। 50 से 60 के दशक में भारत में विदेशी सहयोग से ट्रैक्टर का विनिर्माण शुरू हो गया। यहाँ पर विनिर्माण का अर्थ है पार्ट्स को विदेशों से मंगाते थे तथा जोड़ते भारत में थे। इससे भी पहले ट्रैक्टर विदेशों से आयात होते थे, जैसे चेकोस्लोवाकिया का DT14 हुआ, जिसकी वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। 60 के दशक पर महिंद्रा ने ट्रैक्टर बनाने शुरू कर दिए। महिंद्रा के बारे में एक रोचक बात आपको बताऊं। महिंद्रा कंपनी का नाम पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद था, जो कि अब महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया है। किसान भाइयों, ये तो था ट्रैक्टर का इतिहास। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप बताइए। आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है, सबसे पहले आपके पास कौन सा ट्रैक्टर था, या सबसे पुराना ट्रैक्टर आपने अब तक कौन सा देखा है अपनी आंखों के सामने, सब कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।